अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत होंगे। फ्रेंड आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके घर में कोई भी रिमोट पड़ा ख़राब हो गया है तो आप उसको इजीली कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस रिमोट को घर बैठे ही ईजीली ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड चले हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अपना चैनल टॉप 10 वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। चले फ्रेंड हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। ये मेरे पास रिमोट है। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस रिमोट के सेल चेंज करने हैं। ठीक है, सेल कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छे सेल लेके डालें आप इसके अंदर। ठीक है, सेल चेंज करने के बाद अगर तो भी नहीं चलता तो फिर आपने आपके घर में कोई भी टेस्टर है या छुरी वगैरह है, आपने उससे सीधे इसके स्प्रिंगों को ऐसे फोड़ देना है। ठीक है, ये चीज़ स्प्रिंग ऐसे आगे से आपने साफ़ कर लेने, इससे जो भी जंग वगैरह होगा वो साफ़ हो जाएगा। ठीक हो गया, तो दोबारा आपने सेल डालने हैं इसके अंदर। सेल डालनी है और आप पे चल रहे हैं। अगर फिर भी नहीं चलता रिमोट आपका तो आपने ये सेल निकालने, सेल निकालने के बाद आपने रिमोट को ज़रा कोई भी छुरी वगैरह लेके आपने उससे रिमोट को ऐसे खोल लेना है इसको। पॉइंट चेक करने हैं। ठीक है, अगर तो ये ठीक है इसको भी आप खोल लें, अगर तो ये पॉइंट ठीक है तो ओके, अगर नहीं ठीक तो पहले आपको फिर इसको यहाँ पे आपको जॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, अगर ये पॉइंट ठीक है तो आपने करना है क्या, घर से कोई भी साफ कपड़ा लेके थोड़ा सा आपने पेट्रोल लेना है। तो आपने अच्छी तरह साफ़ कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ये पॉइंट है इसको भी आपने ठीक कर अच्छी तरह साफ़ कर देना है। ठीक है, इसको आपने पेट्रोल से अच्छी तरह साफ़ कर देना है और फिर अपने आम ब्रश लेके ब्रश को थोड़ा यहाँ आपने पेट्रोल लगा के तो जो ये वाले पॉइंट हैं यहाँ भी आपने अच्छी तरह इसको साफ़ कर देना है। साफ़ हो गए, ये साफ़ हो गए हैं आपके ये पॉइंट्स। ठीक है, आपने इसको भी पेट्रोल से साफ़ कर देना है। ठीक है,
अब ये रिमोट अच्छी तरह साफ हो गया, ठीक है, पेट्रोल से आपने इसको अच्छी तरह साफ कर लिया है, पॉइंट है ये भी आपने अच्छी तरह इसको चेक कर लेना है। पॉइंट जहाँ भी बिखरे होंगे आपने कोई भी काबिल लेने काबिल से आपने इसके ऊपर ज्वाइन कर लेने हैं और वो आपका रिमोट ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं और चेक करते हैं। देखिए ये आपने सबसे पहले इसके अंदर ये स्प्रिंग डाल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, बंद हो गया। लॉक होते हैं लॉक आपने अच्छी तरह बंद कर लेने हैं, ठीक है, जहाँ भी इसके सारे लॉक होते हैं लॉक आपने अच्छी तरह बंद कर लेने हैं। अब इसके अंदर हम दोबारा सेंड डालते हैं, ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं हमारा रिमोट चल गया है कि नहीं चला। फिर देख रहे हैं आप हमारा रिमोट अब इस टाइम बिल्कुल चल गया, ये आपको लाइट नज़र आ रही है, मतलब ये हुआ कि हमारा रिमोट बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है, हमारा रिमोट बिल्कुल चल गया। फ्रेंड इतना सा काम है जो आपने बस घर बैठे करना है और आपका रिमोट बिल्कुल चल जाएगा और आपका रिमोट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। फ्रेंड इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।